you know what, not like I'm complaining, but aaj tum mujhe zarurat se zyada shaan dikh rahe ho aur kaafi pareshan dikh rahe ho. Swati, mera na energy ka jo meter hai na wo bahut down hai, par mere kharchon ka meter itni tezi se bhag raha hai, to main ek cheez soch raha tha ki yaar घर में बिजली हो लेकिन उसका बिल ना हो, गाड़ी हो पर उसमें ड्राइवर का खर्चा ना हो, और मेरी बाइक हो पर उसमें पेट्रोल का बिल ना हो, और काश मैं मिस यूनिवर्स हूँ. ओए भूत, ओए भूत, भूत, भूत साथी, ये क्या है? मोहित, मोहित, ये भूत नहीं है. मोहित, मोहित, तुमने बोला ना ड्राइवरलेस गाड़ी हो, मतलब गाड़ी हो लेकिन ड्राइवर का खर्चा ना हो. ये कैसे चल रहा है? इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जिसे इन्वेंट किया है यहाँ के रहने वाले योगेश नागर से, जो कि ये सिर्फ 20 साल के. दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी. मिलना चाहोगे उनसे? बिल्कुल. चलो चलिए, मिलवाती हूँ तुम्हें उनसे. हेलो योगेश. हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो योगेश. हेलो. ये ट्रैक्टर देख के तो यार मेरे होश ही उड़ गए हैं. अब आप मेरे को एक चीज बताएं, ये आइडिया आया कहाँ से आपके पास? एक्चुअली ये आइडिया आने का कारण था, पूरे पापा ही थे, यानी कि कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं थी, बट पापा थे, पापा के पेट में प्रॉब्लम होती थी, डिजीज वगैरह सब कुछ होते हैं, क्योंकि हर फार्मर इतनी प्रॉब्लम फेस करता है, तो पापा भी वही करते थे. बट जब पापा को ज्यादा डिजीज की प्रॉब्लम होने लगी तो खुद मैंने ट्रैक्टर ड्राइव किया. देन तब मुझे लगा कि ट्रैक्टर में कुछ ऐसा करना चाहिए अपने को टेक्निकल. मैंने सोशल मीडिया पे इन पे सब पे सर्च किया, तो मुझे फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रैक्टर चलते हैं तो बिना ड्राइवर के, यानी ऑटोनोमस मोड पे चलते हैं, कोई ड्राइवर नहीं चलता उसमें. तो मुझे लगा ट्रैक्टर को हमें ऐसा बना देना चाहिए, यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब हो गया कंफर्ट का तरीका, यानी कि आजकल ट्रैक्टर में डीलक्स सीट सब लगाते हैं. तो मुझे लगा कि किसानों को घर पे बैठा के आराम से डीलक्स सोफा ही दे देते हैं. तो अब ट्रैक्टर पे पापा ना बैठ के, घर पे बैठ के ट्रैक्टर पूरे खेतों का काम करता है ऑटोनोमस मोड पे. एक चीज आपसे ये पूछनी है कि आपने कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करी, बिकॉज ट्रैक्टर के अंदर ये सब चीजें फिट करना और उसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करना, ये कैसे, मतलब कहां से आपको ये चीज पता चली? और यहां पर बैठ के इस छोटे से गांव में इतने सारे पार्ट्स लेकर आना, चीजें करना, मैनेज करना, वो सब भी बताइए हमें आपने कैसे किया. एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे थी कि ट्रैक्टर में क्या क्या वर्क करते हैं, सिस्टम क्या क्या होते हैं, क्या क्या कनेक्शन होते हैं. तो पापा की मैंने इसमें हेल्प ली, पूरी उनकी सहायता ली. पापा ने मुझे पूरा समझाया कि इसमें ये कनेक्शन होते हैं और ऐसे वर्क करते हैं. देन तब मुझे लगा कि इसमें क्या मैकेनिज्म आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, फिर मैं उसकी डिजाइन पैटर्न सब कुछ यहाँ पे बना के उसको अपने अकॉर्डिंग बनाता था. ये आपका स्कूल है बेसिकली, वर्कशॉप बोल सकते हैं या एक्सपेरिमेंट लैब, कुछ भी हम बोल सकते हैं. योगेश बचपन से ही बहुत शरारती लेकिन अकलमंद था. इसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई आइडिया आता रहता था. इसके दिमाग में आइडिया आया और इसने मुझे ट्रैक्टर को रिमोट से चला कर दिखाया. फिर मुझे इस पे विश्वास हो गया और मुझे आज इस पे बहुत गर्व है. योगेश, आप शायद 19 साल के थे. yes. तब आपने ट्रैक्टर बनाना था, तो आपको लगभग एक साल लगा. हाँ. इसकी नहीं, एक्चुअली मुझे लगा है 6 महीने. 6 महीने, वो भी इसलिए कि मैकेनिज्म में मुझे सेल्फ घर पे हाथ से बनाने पड़ते थे, इसलिए. एंड 20 टाइम्स मैं इसमें फेल भी हुआ. तो आपका मतलब ये है कि आप पार्ट्स लेके आए, आपने उनको अपने हिसाब से बनाया. yes. मैंने ये हेल्प की अपने एक तरीके से पापा की. एंड अब नंबर आता है मेरी मम्मी का, तो मुझे लगा कि एक रोबोट टाइप का मम्मी के लिए बना देना चाहिए. तो मैं अभी उसी में लगा हुआ हूँ. एंड रोबोट वो सब काम करेगा जो मम्मी करती थी, घर पे खाना बनाएगा, चाय पानी सब. यानी कि गेस्ट आएंगे तो उनका भी वेलकम एंड गुड बाय सब वो करेगा. थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस. थैंक यू, थैंक यू. स्वादी, दिमाग में एक चीज बहुत तेजी से भाग रही है, 19 साल में तुमने क्या किया था? मैंने शॉपिंग करना सीखा था, मैंने मेकअप करना सीख लिया था. हुँ. और कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनना सीख लिया था. रियली? यस. तुमने क्या झंडे गाड़े थे? मैंने बाइक में किक मारना और बाइक को दौड़ाना सीखा था स्वाति. ओ, आप आ गए. हे गाइस, क्या है ना